में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, भारत हिंदू राष्ट्र था है और फिर से घोषित होकर रहेगा। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले तो बागेश्वर बाबा, जिन्हें चमत्कार पर चैलेंज से हेडलाइन मिली थी। महीने भर के बाद बात प्रखर हिंदू राष्ट्र से लेकर अखंड भारत तक आ पहुंची। विरोध हुआ, हजार बातें हुई, चमत्कार पर सवाल उठे, बाबा फिर भी कॉन्फिडेंस से डटे रहे। लेकिन पहली बार बागेश्वर वाले बाबा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें, हम कतई गलत के साथ नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री ने जिस वायरल वीडियो का जिक्र किया, ये वही वीडियो है। मुंह में सिगरेट और हाथ में तमंचा लेकर खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रहा ये जो शख्स दिख रहा है, ये बाबा का छोटा भाई शालिग्राम है, जिसके खिलाफ पुलिस SC ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। बाबा के भाई पर गाली गलौज, मारपीट, धमकी के साथ ही हवाई फायरिंग का आरोप है। इसी वीडियो को लेकर बाबा की खामोशी सवालों में थी। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ। सच ये भी है, बाबा ने खुद को हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया है, इसीलिए संविधान की दुहाई देकर खुद को पारिवारिक बंदिशों से बचाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये, पंडित धीरेंद्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनने तक अपना मिशन जारी रखने का दावा करते हैं, तो फिर संविधान क्यों भूल जाते हैं? तब बाबा को संविधान क्यों याद नहीं रहता? तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा की इसी तरह की बातें कटघरे में खड़ा कर रही हैं। जब हिंदू राष्ट्र की बात हो तो संविधान की परवाह नहीं, लेकिन जब फंस गया भाई तो संविधान की दुहाई। फिलहाल तो बाबा के भाई को पुलिस तलाश रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बाबा के भाई को पुलिस पकड़ पाती है या फिर अपने भाई की रक्षा के लिए बाबा भूतों के सेनापति को बुलाएंगे। सेनापति पूरी सेना दरबार में आ जाए और चमिटा मारे जाएं, और चमिटा मारे जाएं, और चमिटा मारे जाएं।